हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पाइप जॉइंट में टेस्ट मारते समय कौन कौन चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा। तो इसी के बारे में इस वीडियो को हम आज बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपका दोस्त का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है केमरजीत और आप देख रहे हैं बिग बॉस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले जानते हैं टेस्ट मारना क्यों पड़ता है और ये टेस्ट का कहां कहां पर जो जॉब में टेस्ट मारना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बात है, टेस्ट हम लोग को कभी भी जब हम लोग वेल्डिंग मारने के लिए जाते हैं दूसरे साइड में पाइप जॉइंट में, तो फिर हम लोग को एक टेस्ट मारना पड़ता है। पाइप जॉइंट हो, चाहे प्लेट का टेस्ट हो, या फिर जो भी हम लोग काम करते हैं पाइपलाइन या वेल्डिंग रिलेटिव या मिग वेल्डर हो, सभी को थोड़ा सा टेस्ट मारना पड़ता है। तो ये टेस्ट इसीलिए मारना पड़ता है कि आपका जो क्वालिटी है वो आपका सही है या नहीं है, आप वेल्डिंग करने के लिए काबिल है या नहीं है। इसी चीज़ का जो इंजीनियर लोग है वही लोग देखते हैं कि आप सही में वो जॉब जो आपको देगा वो जॉब मार सकते हैं क्या नहीं है। तो इसीलिए टेस्ट मारना पड़ता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले जब हम लोग टेस्ट मारने के लिए कभी भी जाते हैं दूसरे साइड में, तो हम लोग को एक टेस्ट पीस दिया जाता है, जो कि अगर आप पाइपलाइन में मारते हैं तो कितना इंच का पीस देगा उसका कोई ठीक नहीं रहता है, वो जॉब का हिसाब से आपका टेस्ट पीस दिया जाता है। तो मान के चलिए आपको एक 4 इंच का टेस्ट पीस दिया जाता है या फिर 6 इंच का टेस्ट पीस, ज़्यादातर 4 इंच या 6 इंच का चलता है। और अगर 2 इंच का जहाँ पर जॉब रहता है या फिर पावर प्लांट में अगर जाते हैं, तो ज़्यादातर सबसे पहले तो ट्यूब में टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप रिफाइनरी में जॉब करने के लिए जाएंगे तो ज़्यादातर 6 इंच में आपको टेस्ट देगा। तो 6 इंच में वही लगभग 150, एक साइड में और एक 150-150 करके पीस दिया रहता है, मतलब 300 का लेंथ हो जाता है पीस का। तो आप कोशिश करिएगा थोड़ा सा लेंथ अगर हल्का बड़ा भी हो रहेगा, 200 भी रहेगा तो ठीक रहता है, क्योंकि जब टेस्ट होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो जाता है। तो ज़्यादा हीट होने से थोड़ा फिलर जब हम लोग देते हैं बाएँ हाथ से तो थोड़ा सा गर्म बहुत हो जाता है, टच लगने से थोड़ा सा फिलर हिल जाता है, फिर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, फिर फिलर कट आ जाता है। आपको जब टेस्ट चालू होगा तो सबसे पहले तो आप अपना टेस्ट पीस को अच्छे से भी को बना लीजिए। भी एकदम 37.5 डिग्री का भी होना चाहिए और भी को एकदम अच्छा से आप साफ कर लीजिए, उसमें फाइल एकदम दोनों साइड से फाइल मार के उसमें थोड़ा सा भी मेटल या बाबरी नहीं रहना चाहिए। थोड़ा हल्का फुल्का रहेगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा रहने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि पोरोसिटी आने के ज़्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप दोनों जो भी रहता है उसको ग्राइंडर मैन को देकर के अच्छा से उसको पॉलिश करा लीजिए, उसको भी को तैयार कर लीजिए। तो उसके बाद जब भी बन जाएगा उसके बाद आप फिटर का मदद लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि नया नया दूसरे साइड में जा कर के आपने से भी फिटअप कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा एक टेक्नीशियन के जैसे हम लोगों का फिटअप नहीं हो पाता, इसीलिए आप फिटर का थोड़ा सा मदद मांग लीजिए। दूसरे जगह फिटअप आपको किया हुआ भी मिल जाता है या फिर कई कई ऐसे जगह होता है अपने से फिटअप करना पड़ता है। तो जब आपको पीस अगर आप अपने से भी फिटअप करते हैं तो उस टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अंदर में जो भी रहता है दोनों एक्यूरेट रहना चाहिए, यह नहीं कि मिसमैच रहेगा। मिसमैच अगर हो जाता है भी या अप एंड डाउन हो जाता है थोड़ा सा साइड में, तो थोड़ा सा ओवरलैप हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है और वो जॉइंट आपका पास भी नहीं होगा। तो आप सबसे पहले अंदर में जो भी रहता है, वी वेल जो रहता है, उसको प्रॉपरली चेक करिए, उसके बाद एक दूसरे को रख दीजिए। और आप कोशिश करिए अगर आपके पास 6 इंच का टेस्ट पीस देता है तो फिर आप 3.15 का गैप ले लीजिए, मतलब 3.15 उसमें फ्री रखिए, मतलब 4 mm टाइट रखिए फुल टाइट और 3.15 फ्री रखिए, तो फिर थोड़ा सा ठीक रहेगा रूट मारने के लिए। ऐसे तो अलाव जो है वो आपका 2.5 में जो थ्योरी में है, लेकिन उस हिसाब से अगर हम लोग मारेंगे वेल्डर जो होता है तो फिर वो टेस्ट फेल हो जाएगा, इसीलिए आप कोशिश करिए 3.15 लेने का गैप, ताकि वो फ्री लेने के लिए कोशिश करिए, तो कि थोड़ा सा फिलर जो होता है थोड़ा फ्री रहेगा, क्योंकि वेल्डिंग मारते समय थोड़ा वार आपका गैप जो होता है कम हो जाता है। तो इसीलिए आप कभी भी टेस्ट मारने जाए तो अपने जो टेस्ट पीस रहता है उसका कम से कम 4 mm टाइट गैप रखिए और 3.15 फ्री रखिए। अगर आप शुरू शुरू में कहीं में जॉब सीख रहे हैं तो एक ही बार में 3.15 गैप दे देने से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब कभी भी आप टेस्ट मारने के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा फ्री गैप रहने से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है रूट। तो ये हो गया एक नंबर पॉइंट। अब दूसरा जो बात है, आपका जब टेस्ट पीस आपका फिटअप हो गया, तो फिटअप जब हो जाएगा तो आपको सी क्लिट लगाना अच्छा रहता है, उसमें बेटर रहता है। अगर आपका रिफाइनरी है तो सी क्लिट का अलाउ रहता है, लेकिन आप अगर आप बॉयलर में या पावर प्लांट में कहीं में काम करने जाते हैं तो वहाँ पर सी क्लिट लगाने का अलाउ नहीं है,
वहाँ पर क्लाम रहता है, जो कि क्लाम का वो दोनों साइड में टेस्ट मारना पड़ता है, क्लाम्पिंग जॉइंट रहता है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, आप उसमें अगर रिफाइनर में जॉब करने जा रहा है या फिर स्टील प्लांट में, तो भी आपका सी क्लेट देगा, मतलब बीच में गैप रहेगा, तो वो वाला क्लेट का आप इस्तेमाल ज़रूर करिए। और जब आपका पीस फिटअप हो जाएगा तो उस पीस को आप अपना जो कमर होगा, कमर का लेवल में, मतलब आपका थोड़ा सा हाइट जो है कमर से थोड़ा सा नीचे रहेगा, हल्का ही नीचे रहेगा, तो उतना सही रहेगा आपका, ठीक है। मान के चलिए आपको 2.5 से 3 फुट हाइट होना चाहिए, ज़्यादा हाइट सही नहीं है, मतलब कमर का लेवल नीचे रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो मारने के लिए सुविधा रहेगा। और दूसरा जो मेन पॉइंट होता है, आप जो वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा आप लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करिए। जब आप ये कम से कम 1-2 इंची वेल्डिंग हो जाएगा, उसके बाद आप एक काम करिए, आप डाइना साइड में तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पीस पूरा ठंडा रहता है। अगर आप रिफाइनरी मारते हैं तो थोड़ा ठंडा रहेगा। तो हम रिफाइनर के पहले बात कर लेते हैं, जो EMS पाइप होता है उसी का टेस्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले डायना साइड में थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट उठा लीजिए, जब स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा उठ जाएगा 1 इंची लगभग, जब वेल्डिंग आप कर देंगे, फिर एक काम करिए, आप डायना साइड में आप मत मारिए, आप थोड़ा सा जो राइट साइड होता है तो उस साइड में थोड़ा सा ज़्यादा पहले मार लीजिए। मतलब जो डायना साइड होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आसान हो जाता है मारने के लिए, सॉरी, और बायां साइड में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आप बायां साइड को पहले मार लीजिए पाइप को, जब हीट होने से पहले। तो क्या होगा, आपका बायां साइड जो थोड़ा मुश्किल रहता है, तो सभी वेल्डर को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो उस साइड को आप अगर पहले मार लेते हैं तब तो डायना साइड आपका ईजी हो जाता है, तब तो आपका पीस जो होता है पास गारंटी हो जाएगा। और जो आप डायना साइड से पूरा टॉप में जो आप वेल्डिंग मार के रखे है, उसको थोड़ा ब्लेड से हल्का पतला कर लीजिए, ताकि वो जो आप दोबारा डायना साइड से जब वहाँ मेल्टिंग करेंगे तो मेल्टिंग थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। जहाँ पर आप मेल्टिंग करेंगे वहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिलर कंटिन्यू मत दीजिए, थोड़ा सा ड्रॉप जहाँ लास्ट हो जाएगा एंड में, थोड़ा सा ड्रॉप दे करके उठा लीजिए, और हल्का करंट थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा। और वहाँ पर एक चीज़ और करना है, थोड़ा सा वहाँ पर 1-2 सेकंड के लिए रुकना है और फिर आगे बढ़ जाना है, तो फिर वो जो मेल्टिंग आप किए वहाँ से बढ़िया से मेल्ट हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा आगे करके जीरो करके साइड में भी का ऊपर में, मतलब रूट का बीच में, टॉर्च को नहीं उठा लेना है, थोड़ा सा साइड में करके भी का ऊपर में आपका टॉर्च को उठा लेना है, तभी जा करके आपका क्रैक भी नहीं आएगा और जॉइंट पास हो जाएगा। और जब आपका रूट कंप्लीट हो जाएगा, आप उसका ऊपर में दोबारा एक बार हॉट पच आर्गन से ही मार लीजिए, और जब मारेंगे उससे पहले ब्लेड और ब्रश से बढ़िया से साफ करके तभी हॉट पच मारिए, तब जा करके फिर आप आर्क या फिर आर्गन में जो भी है जो रिकमेंड रहेगा आप उस हिसाब से फिलअप फाइनल करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका रिफाइनरी या फिर स्टील प्लांट में इस तरह के टेस्ट के बाद। चलिए अब बात करते हैं बॉयलर में जो टेस्ट मारा जाता है उसको कैसे मारा जाता है। तो फ्रेंड्स, बॉयलर में टेस्ट मारने के लिए आपको जो होता है, दोनों साइड में जो पीस रहता है, पीस का दोनों साइड में गार्ड दिया जाता है। तो कई कई बॉयलर में ऐसा रूल्स होता है कि आपको ऊपर से फिलर नहीं देने देगा, दोनों साइड से आपको नीचे से टॉर्च, नीचे से फिलर देना पड़ेगा, ऊपर से हाथ दे करके आप फिलर अंदर से दे करके नहीं मार सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पीस को हीट किया जाता है लगभग 150 से, कई कई जगह में 150 हीट करना पड़ता है, कई कई जगह में 220 करना पड़ता है, उसका कोई ठीक नहीं है कौन सा मटेरियल है तो कौन से हिसाब से हीट करना पड़ेगा, बर्नर से हीट किया जाता है या फिर कई कई जगह कॉयल से हीट किया जाता है। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस अपनाना है, डायना साइड से थोड़ा सा 1-1.5 इंची वेल्डिंग मार लेना है, उसके बाद से डायना साइड से मत मारिए, बायां साइड वाला पहले आप ख़त्म कर लीजिए, पूरा टॉप तक मार लीजिए, उसके बाद से डायना साइड से आप मार लीजिए, तो आपका टेस्ट जो है गारंटी पास हो जाएगा। और इसमें भी आपको हाइट कमर का नीचे ही रखना है, लगभग आपको 2 से 2.5 फीट का ऊपर में पीस को रखना है, ये वो अपना हिसाब से आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं अपने जब तक टेस्ट मारा हूँ, मैं आप जानते हैं मैं वेल्डर हूँ, IBR वेल्डर हूँ, तो मैं जितना दिन भी टेस्ट मारा हूँ, ज़्यादातर हमारे कमर के लेवल में टेस्ट मारते हैं, तो हमको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और अगर आप 2 इंची का कहीं भी टेस्ट मारते हैं तो उसमें भी इतना ही गैप रखिएगा, 3-15 फ्री या फिर थोड़ा सा कम भी इसमें रहेगा तो चल जाता है, क्योंकि 2 इंची में प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं तो ज़्यादा पेंटिशन आने का चांस है। और आपको अंदर में जो रूट निकलेगा उसको कम से कम कहीं कहीं 1.5 mm होता है, तो कहीं कहीं 2 mm तो अलाउ नहीं है, लेकिन आपको 1.5 mm अंदर में जो रूट रहता है उसमें कम से कम 1.5 से 1.5 mm तक ही अलाउ है, लेकिन कभी कभी 2 mm भी हो जाता है, फिर भी चल जाता है। लेकिन आप कोशिश करिएगा जो आप रूट निकालेंगे अंदर में उसको एक्यूरेट होना चाहिए, अंदर में जो रूट होगा उसको एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब अगर आप 1.5 mm निकालते हैं तो नीचे ऊपर में टॉप में चारों साइड में 1.5 mm ही होना चाहिए, 1 से 1.5 mm के अंदर में। अगर थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, 2 mm भी है, तो पूरा 2 mm होना चाहिए। तो अगर आप कहीं में 1 mm निकलते हैं, कहीं में 1.5 mm निकलते हैं, कहीं में 2 mm, तो क्या होगा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा और आप टेस्ट में विजुअल में ही फेल हो जाएंगे, फिर उस पीस को एक्सरे में नहीं दिया जाएगा।
और टॉर्च को आप जब चालू करेंगे टेस्ट मारने के लिए, उसको बाहर में एक बार जरूर चेक कर लीजिए। और आपका जो होता है टंगस्टन को बढ़िया से दो तीन गो चार गो कम से कम बना के रखिए, टंगस्टन जो पॉइंट होता है। तो वीडियो का हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर दिल से पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।